नमस्कार, मैं ममता जानी बीएमसी न्यूज लाइव में आपका स्वागत करती हूं। आज के हिंदी समाचारों के प्रायोजक है अलीलाल हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर। समाचार विस्तार से। इंडियन क्लब ओणम उत्सव। द इंडियन क्लब की कार्यकारी समिति को आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इंडियन क्लब 26 सितंबर से 4 अक्टूबर 2024 तक क्लब परिसर में ओणम महोत्सव 2024 का आयोजन कर रहा है। ओणम उत्सव 2024 एक सप्ताह तक चलने वाला कार्यक्रम होगा, जिसमें कई सांस्कृतिक मनोरंजन, पारंपरिक खेल और प्रतियोगिता शामिल होगी। गुरुवार 26 सितंबर 2024 आधिकारिक उद्घाटन शाम 7:30 बजे शुरू होगा। उसके बाद ओना पुडवा प्रतियोगिता और सिनेमेटिक नृत्य प्रतियोगिता होगा। शुक्रवार 27 सितंबर 2024 पायसम प्रतियोगिता, चेंडा मेलन और रस्साकसी प्रतियोगिता शाम 7:30 बजे से शुरू होंगी। शनिवार 28 सितंबर 2024 तिरुवाद्रा प्रतियोगिता के बाद ओन्ना नुटल प्रतियोगिता 7:30 बजे शुरू होगी। गुरुवार 3 अक्टूबर 2024 ओन्ना चंदा और नादन्ना पट्टुम 7:30 बजे शुरू होंगे। शुक्रवार 4 अक्टूबर 2024 पुकलम प्रतियोगिता सुबह 10 बजे आना चंदा घोष यात्रा विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा जुलूस, जिसमें केरल के विभिन्न हिस्सों की पारंपरिक लोक कथाओं द्वारा वेशभूषाओं को दर्शाया जाता है। वो प्रतियोगिता के बाद आरवम बाहरीन द्वारा लोक संगीत और फ्यूजन बैंड का आयोजन किया गया है। शुक्रवार 11 अक्टूबर 2024 आना संध्या आपके सभी पारंपरिक स्वाद और उत्साह के साथ 2500 लोगों को परोसा जाएगा। क्लब परिसर में 29 विभिन्न वस्तुओं तैयार की जाएगी और सारक्षणिक सदस्यों और आमंत्रित अतिथियों के केले के पत्ते में परोसा जाएगा। निम्नलिखित प्रतियोगिता के लिए विशिष्ट खुली है। 26 सितंबर आना पुद्दवा प्रतियोगिता के पंजीकरण की अंतिम तिथि 24 सितंबर 2024 है। विवरण के लिए कृपया संवयस्क सुश्री जोस्मी से 3371-4099 पर या श्री श्री श्रीजा से 3678-8183 पर या श्री टोगे मैथ्यू से 3654-5497 पर संपर्क करें। 27 सितंबर पायसम प्रतियोगिता के पंजीकरण की अंतिम तिथि 25 सितंबर 2024 है। विवरण के लिए कृपया समवयस्क श्रुश्री लता विनोद से 3912-6102 और सुश्री जीना से 3324-0047 पर संपर्क करें। 27 सितंबर रस्साकसी प्रतियोगिता पंजीकरण की अंतिम तिथि 25 सितंबर 2024 है। विवरण के लिए कृपया समवयस्क श्री सहजी एंटनी से 3986876681 पर संपर्क करें। 28 सितंबर तिरुवाद्रा प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 26 सितंबर 2024 है। विवरण के लिए कृपया समवयस्क सुश्री जोस्मी से 3371-4099 पर या सी श्रुश्री श्रीजा देवदासन से 3905982 पर संपर्क करें। 28 सितंबर ओना पटिटू प्रतियोगिता की पंजीकरण की अंतिम तिथि 26 सितंबर 2024 है। विवरण के लिए कृपया समवयस्क श्री राजन के पी से संपर्क करें 3950-9432 पर या श्री फिजल से 3536-9850 पर या श्री रेंजू नायर से 3398-9636 पर। 4 अक्टूबर पुक्कलम प्रतियोगिता पंजीकरण की अंतिम तिथि 1 अक्टूबर 2024 है। विवरण के लिए कृपया समवयस्क श्री जोस्मी से 3371-4099 पर या श्री जोई पोली से 3468-8624 पर या श्री रेंजू नायर से 3398-9636 पर संपर्क करें।
4 अक्टूबर घोषणा यात्रा प्रतियोगिता पंजीकरण की अंतिम तिथि 1 अक्टूबर 2024 है। विवरण के लिए कृपया समवयस्क श्री शशिधर से 3989-8781 पर या श्री सतीश नायर से 3336-8466 पर या श्री सैनी पोल से 3985-5197 पर संपर्क करें। किसी भी प्रश्न या अतिरिक्त जानकारी के लिए कृपया क्लब के महासचिव श्री अनिल कुमार आर से 3962-3936 पर या अध्यक्ष श्री जोसेफ जोय से 3980-2800 पर या मनोरंजन सचिव श्री एस नंद कुमार से 3643-3552 पर या सह अध्यक्ष से संपर्क करें। मनोरंजन सचिव श्री रायसन वर्गीस 3995-2725 पर या जनरल संयोजक श्री संतोष बाबू 3330-8426 पर संपर्क करें। मनामा 23 सितंबर सतत विकास मंत्री और बहरीन आर्थिक विकास बोर्ड के मुख्य कार्यकारी नूर बिंत अली अल खुलेफ ने 2024 संयुक्त राष्ट्र इस सरकारी सर्वेक्षण में बहरीन के प्रगति पर प्रकाश डाला, जहां राज्य 36 स्थानों पर आगे बढ़ा दुनिया के अग्रणी देशों की कतार में शामिल होने के लिए। मनामा 22 सितंबर महामहिम राजा हम्मद बिन ईसा अल खलीफा को पहले और तीसरे स्थान पर मैकलारेन के सफलता के बाद नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन ईसा अल सलमान अल खलीफा से बधाई संदेश मिला। फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप में सिंगापुर ग्रैंड प्रीमियम में होगा। आगे बढ़ने से पहले हम लेते एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं कुछ खास खबरों के साथ। All your favorite products under one roof in Bahrain from our 14 branches at 27-year-old Megamart and Macromart. Bakery. Fresh meat and fish. Fruits and vegetables. Sweets and snacks, ready-to-eat foods, dairy products, grocery or consumer goods. To have a wonderful shopping experience, please visit your nearest Megamart Macromart branch. Megamart and Macromart, full of goodness.
स्वागत करती हूं एक बार फिर से बीएमसी न्यूज लाइव में और देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरों की ओर। दिल्ली से आए सूत्रों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार बच्चों से जुड़ी पोर्नोग्राफी देखना और उसे अपने फोन या फिर लैपटॉप में रखने पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जरूरी नहीं है कि आपके फोन में अगर चाइल्ड पोर्न है तो आपके आप अपराधी हो जाएंगे, लेकिन यदि आपको कोई चाइल्ड पोर्न फॉरवर्ड करता है और आप उसे डाउनलोड कर लेते हैं और या फिर देखते हैं तो आप आपराधिक श्रेणी में आ जाएंगे। अदालत ने साफ किया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना और उसे देखना पोस्क एक्ट के तहत अपराध की श्रेणी में रखा गया है। तो चलिए आपको बता दें कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित यह पूरा मामला और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। भारत सरकार देश के गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त इलाज देने के लिए आयुष्मान भारत योजना चला रही है। इस योजना को साल 2018 में शुरू किया गया था। अगर आपके पास महंगे इलाज के खर्चे उठाने लायक पैसे नहीं है तो इस योजना के तहत आप 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। इसके लिए बस आपको आयुष्मान योजना से जुड़े किसी भी सरकारी या फिर प्राइवेट अस्पताल में जाकर आयुष्मान कार्ड दिखाना पड़ता है, जो कि सरकार की तरफ से जारी किया जाता है। 23 सितंबर मौसम विज्ञान निदेशालय ने कभी कभी आर्द्र मौसम और दिन के दौरान गर्म मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। हवा परिवर्तनशील 5 से 10 समुद्र मील, लेकिन मुख्य रूप से दोपहर तक कभी कभी 10 से 15 समुद्र मील उत्तरी पूर्वी दिशा में। समुद्र की स्थिति 1 से 3 फीट। तापमान अधिकतम 40 सेल्सियस, न्यूनतम 28 सेल्सियस। आद्रता अधिकतम 90%, न्यूनतम 30%। इसी के साथ आज के ये समाचार यहीं समाप्त होते हैं। मैं ममता आपसे विदा लेती हूँ। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बीएमसी न्यूज़ लाइव के साथ आप सबको शुभरात्रि, सब्बा खैर।